हेलो जी, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, यहाँ पर देख गई है, लगा ली है मैंने अपने हाथों में मेहंदी। और क्यों लगाई है तो देखिए गाइस, लग गई है हाथों में मेहंदी। और ये मैंने ही बनाया है, तो मुझे इतना ज़्यादा तो आता नहीं है, बस थोड़ा बहुत काम चलाओ बना लिया है। तो क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? चमन? कौन सा चमन? क्या कर रही हो? दिखाओ। चमन, चमन प्रकाश। क्या बोलते? नहीं, क्या है? चमन प्रकाश। हाँ, ये क्या कर रही हो? अच्छा, वो गिर गया, डिब्बा गिर गया। तो गाइस देखिए, मेहंदी मेरी सूख गई है और मैं मिल रही हूँ अब आपसे शाम को। तो गाइस ये देखिए, मेरी मेहंदी का कलर इस तरह का है। और ये देखिए पीछे ये वाला बनाया है, और दूसरे वाले हाथ में मैंने इस तरह से बनाया है। तो ये गाइस किट्टू के मेहंदी लगाई थी मैंने, तो फिर से हाथ में मेहंदी लग गई है, थोड़ी सी रच भी गई है। तो गाइस यहाँ पर देखिए, शाम का टाइम हो गया है और अब बनाऊंगी मैं खाना। तो ये मेहंदी मेरी देखिए, शाम को इस तरह का कलर आ गया है इसमें। और आजकल की मेहंदी में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा केमिकल होते हैं, तो झट से ही रच जाती है, कोई वो नहीं है। तो देखिए, अभी तक मैंने कुछ भी तैयारी नहीं की है, और अब जा रही हूँ मैं तैयारी करने खाने की। तो बनाऊँगी, देखिए क्या बनाते हैं। तो बने रहिए व्लॉग के साथ, और आज का व्लॉग बहुत ही अच्छा है। तो गाइज़ अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो गाइज़ यहाँ पर ये देखिए, ये रखे हैं मैंने पूजा में कपड़े, और ये कुछ सामान हैं। तो देखिए यहाँ पर ये है मेहंदी और बिंदी, तो ये मेरे पास थे और मैं अभी और लाऊंगी, थोड़े बहुत सामान बाकी रह रहे हैं। और ये चूड़ा भी है इसमें, तो ये देखिए यहाँ पर ये ग्रीन ग्रीन कलर का चूड़ा है। तो हमारे राजस्थान में चूड़ा ही पहना जाता है ज़्यादातर, तो ये लाख का चूड़ा है। और ये है कपड़े, तो ये देखिए गाइस, ये है ओढ़नी, हम लुगड़ी बोलते हैं इसको। तो ये इस तरह की है, और मेरे पास में ही रखी थी तो मैं नहीं लेके आई हूँ, वहाँ पर भी ऐसी ही मिलती है, तो फिर मैंने सोचा यहीं से निकाल देते हैं। तो ये इस पर कांच की बहुत ही अच्छी लेस लगी हुई है, और ये देखिए यहाँ पर इस तरह की लेस लगी हुई है इस पर। और तो गाइज आप कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे कि कैसी है ये, अच्छी है या नहीं है। और आज यहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर भी हो रहा है, तो आपको आवाज़ आ रही होगी। तो गाइज अब आ गई हूँ मैं रोटी बनाने, और पूड़ी का आटा लगा के मैंने लोए बना लिए हैं। और यहाँ पर ये बना ली मैंने सब्जी आलू टमाटर की, तो अब पूड़ी और पकौड़ी बनाऊंगी मैं। तो यहाँ पर मैंने इसमें सब्जी तो बना करके रख दी है, और अब पूड़ी बना रही हूँ। और ये जो पैकेट पड़ा हुआ आपको दिख रहा है, हाँ, तो ये तेल मैंने अभी खाली किया है, अभी आया था, तो मैंने इसी में रख दिया। जो तेल निकलेगा वो इसी में निकल जाएगा। हाँ, अभी रखी है, अभी बता दूंगी मैं। तो गैस यहाँ पर मैं बना रही हूँ अब पूड़ी, लोए बनाने के बाद में मैंने तेल चढ़ा दिया था, और अब पूड़ी साथ के साथ ही बना लूँगी। और मैं साथ के साथ ही बेलती जाती हूँ पूड़ी, और साथ में ही निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए पूड़ी भी बन गई है, और पकौड़ी निकाल रही हूँ मैं अब। तो गाइस इसका आधा ब्लॉग कल आएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होने वाली है। तो कल का ब्लॉग ज़रूर भी देखिएगा, उसमें मेरी करवा चौथ की पूजा वगैरह, चंद्रमा की पूजा जो भी की है मैंने, वो सब कुछ आपके साथ में कल के ब्लॉग में शेयर करूँगी। तो आज का ब्लॉग तो मैं यहीं पर एंड करूँगी बस। तो गाइस देखिए यहाँ पर मेरी बन गई है पकौड़ी और पूड़ी, तो आप सब आ जाइए खाने के लिए। तो वीडियो को लाइक ज़रूर